हेलो फ्रेंड्स, सर्वी जिले चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं इसके साथ वेस्ट बंगाल बर्धमान से। दोस्तों, आज मेरे पास एक सोनी का सेट आया, तो सेट को पावर ऑन करता हूं, देखूंगा ये क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों देखिए, ये सेट ऑन हो रहा है, सोनी लोगो भी आ रहा है। लोगो आने के बाद फिर ऑफ कंडीशन में जा रहा है, फिर ऑन हो रहा है, ग्रीन एलईडी कांस्टेंट पोजीशन पे है, फिर क्या आएगा, ये ब्लिंकिंग कोड आएगा। जिस टाइम स्टैंडबाय पोजीशन में चला गया तो उस टाइम ये ब्लिंकिंग शो कर रहा है। यहाँ पर दिखाओ, यहाँ पर देखिए, ये 6 टाइम ब्लिंकिंग शो कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस पांच फिर आएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो दोस्तों ये 6 टाइम का प्रॉब्लम है सोनी लोगो आने के बाद। तो सेट को ओपन कर लेता हूँ, सेट को देखूंगा क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का पूरा सॉल्व करूंगा। वीडियो के एंड तक देखते रहिए। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। ओपन करने से पहले आपको मॉडल नंबर दिखाऊंगा, इधर से दिखाओ मॉडल नंबर। ये मॉडल नंबर है सोनी KLV32R412B का मॉडल है। तो सेट को देखो, ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये सोनी 6 टाइम प्रॉब्लम के लिए क्या होता है, ये बैकलाइट के इश्यू है। तो बैकलाइट एंड मदरबोर्ड कंफर्म करने के लिए ये फर्स्ट टाइम क्या करूंगा, ये ड्राइव आईसी सही काम कर रहा है क्या, ये प्रोटेक्शन ऑन करके ये बैकलाइट चेक करूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो प्रोटेक्शन हटाने के लिए ये एक 10 के रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये 10 के रेजिस्टर, ये 9397 जो आईसी है, आईसी का 31 नंबर पिन का प्रोटेक्शन पिन है। तो इसी जगह पे मैं क्या करूंगा, ग्राउंड से 10 के रेजिस्टेंस ले लिया। देखिए ये, और यहाँ पर जो 31 नंबर पिन है उसी जगह को कनेक्ट हो गया। तो देखूंगा पावर देखकर ये सिक्स टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि ये जो ऑन होने के बाद सोनी लोगो आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर सिस्टम जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये कंफर्म हो गया, जो ड्राइव आईसी सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये प्रोटेक्शन पिन को, 31 नंबर पिन को 10 के रेजिस्टेंस से ग्राउंड करके ये ड्राइव को ऑन कंडीशन में हो रहा है, लेकिन ये बैकलाइट भी फुलफिल जल रहा है, लेकिन ड्राइव प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन ये बैकलाइट का जो
तीनों का जो स्टीप है कोई ना कोई स्टीप खराब है, तो ये स्टीप क्या करना पड़ेगा, ये पूरा भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये पूरा स्टीप चेंज करके देखूंगा, कौन सा स्टीप खराब है वो भी देखूंगा, वीडियो के इन तक दिखता रहिए। तो प्रोटेक्शन तो ऑन करके देख लिया, तो ये प्रोटेक्शन हटा दूं। तो क्या करूं, ये सेट को पूरा ओपन करूंगा, वीडियो के एंड तक देखते रहिए। सेल ओपन कर लिया, तो बैकलाइट को चेक करूंगा, ये तीनों स्टीप है, ये 32 वोल्टेज ले रहा है, 23, 6, 21। ये ब्लिंकिंग हो रहा है, ये स्टिप खराब है। नेक्स्ट पे जाऊंगा, ये स्टिप सही है। ये स्टिप भी सही है। तो दोस्तों ये जो स्टीप खराब होता है ये तीनों का तीनों ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आईसी है बहुत ही सेंसिटिव आईसी है, एक तो बैकलाइट चेंज करोगे तो और 30 डेज के अंदर ही आपका प्रॉब्लम रिटर्न आएगा, तो इसलिए तीनों का तीनों स्टीप ही चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तीनों स्टीप ही चेंज कर दिया, ये सेट को पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर ऑन करूंगा, ऑन करके देखूंगा। तो दोस्तों देखिए ये पूरा फिटिंग्स कर लिया, तो आपको दिखाऊंगा ये जो प्रोटेक्शन हटा दिया, तो ये प्रोटेक्शन रेजिस्टेंट रिमूव किया, ये जो नॉर्मल पोजीशन में था इसी कंडीशन में सेट को पावर देता हूं। ये सोना लोगो आ गया, प्रोटेक्शन हट गया। तो सेट को डेकोर फिटिंग्स करके आपको पिक्चर सिग्नल देकर पिक्चर दिखाऊंगा। सिग्नल लगा दिया, ये सेट को पावर ऑन करता हूं, दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों देखिए ये सेट बिल्कुल रेडी हो गया। तो आपका वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना था, थैंक यू दोस्तों, बाय।